हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अंजलि वर्मा बनारसी। फ्रेंड्स देखिए, इस वक्त हो रहे हैं 11, 11 से ज़्यादा हो रहे हैं, ओहो 11:25 हो रहे हैं। आज मैं लेट से भी उठी थी क्योंकि मेरे अंशु को स्कूल नहीं जाना था, तो लेट से उठी, सब काम भी लेट से हुए। और आज मैं सुबह से कपड़े प्रेस कर रही थी। मैं आप लोग को कैसे दिखलाऊं, मेरा बाबू बैठा है, अगर वो आ जाएगा कैप्चर मोबाइल में तो सीधे कहेगा मैं आपका चैनल डिलीट कर दूंगा। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इससे दूर कर दूं अपने अंशु से, तब फिर मैं आप लोग को दिखलाती हूँ। अरे मम्मी जी, 9 बजे तो हम लोग नाश्ता किए, हम माँ बेटे, उसके बाद फिर मैंने प्रेस करने में बैठी हूँ। ये देखिए इतने सेट्स मैंने किए हैं, ये सब देख रहे हैं आप नीचे से, ये मेरे अंशु का है, ये भी मेरे अंशु का है, ये भी मेरे अंशु का है, ये भी मेरे अंशु का है, ये अंशु के पिताजी का है। ये 3 शर्ट है इन, और पापा का कपड़ा नहीं दिख रहा है यार, कभी तो शर्ट था, ढूंढना पड़ेगा अलमारी में। और ये 3 पैंट मैंने किया, और एक ये वाइट वाला, चार चार पैंट किए। अभी एक पैंट धोना है और भी कपड़े ढूंढने हैं। और ये मेरे बाबू का एक ये है वाइट वाला, इसको भी धोना है। और मैंने कल जो कटिंग की थी, ये देखिए, मैं एक मिनट दिखलाती हूँ, निकालूंगा तब ना। जो मैंने कटिंग आप लोग को दिखलाई थी, देखिए ये मैंने स्टिच किया है, इसी में मैं रखूंगी। मैंने सोचा था ऑनलाइन मंगाने के लिए, नहीं आए हो बाबू, जरा से भी नहीं आए हो तुम। इसको ऑनलाइन मैंने सोचा था मंगाने के लिए, तो फिर मैंने दिमाग में आया कि एक बार मैं ट्राई करती हूँ, अगर हाथ से बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए अच्छा लग रहा है ना, खुशी हो रही है, देखिए ओ थैंक गॉड बन गया बिना काट छाट के। ये कि मेरे पास कड़ा कपड़ा नहीं था, तो इसके अंदर मैंने दफ्तियाँ लगाई हैं, ये इधर अंदर अंदर दफ्ती लगाई। ये वाला कपड़ा थोड़ा झोल मार दिया है, डोंट माइंड, चलता है भाई, फर्स्ट टाइम बनाया है तो कुछ कमी तो होनी चाहिए ना, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे तो दर्जी में, टेलर में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। ये और नीचे भी सोच रहे दत्ती लगा दे, तो फिर कह रहे कि नहीं इसे सही है, तो ऐसे रखा रहेगा अलमारी में एक जगह सेफ। अब इसी में मैं सारे कपड़े रखूंगी, क्योंकि जब कहीं जाना रहता है तो कोई कहता है प्रेस करने के लिए ना, मुझे बहुत गुस्सा लगता है, प्रेस करने में मुझे बड़ी घुटन होती है, इसलिए मैंने यही सोचा था। मैं कई दिन से सोच रही थी लेने के लिए, नहीं ले पाई, तो मैंने खुद बनाया है। अब इसी में इसमें मैंने सब रख दिए हैं, इस तरह से ये मेरा सेफ हो गया है। मैं रख नहीं पा रही हूँ अच्छे से, किसी की तह बड़ी लग गई है लग रहा है, या तो टेढ़ा मेढ़ा रखा गया है। देखिए मस्त लग रहा है, वाह अंजलि वर्मा तुम्हारी बात ही कुछ और है। मेरी अलमारी देखेंगे ना, अब भरी हुई है इसी सब, ये जितना चीज आप देख रहे हैं ना, सब ये पैकेट मैंने बनाए हैं खुद से, ये तो मैंने खुद से बनाए हैं। ये झोला मैंने बना दिया था ताकि जो मेरा एक्स्ट्रा चीज होगा सब इसी में मैं डालती जाऊंगी। और एक्स्ट्रा क्या, देखिए एकदम फुल है ये, इसी में ये सारे कपड़े जितने थे ना, ये इसी में भरे हुए थे, मैंने निकाल दिए, खाली हो गए थे, उसके बाद फिर ये फुल हो गया, सोचिए। और ये देखिए, ये भी मैंने बनाए, ये भी मैंने बनाए, इसमें से सारे कपड़े निकाले हैं, ढीले हो गए। ये है एक, ये है, और एक मुझे बनानी है, ये मेरी फाइल्स वगैरह हैं, बच्चों के रिजल्ट हैं, फोटो वगैरह है ना, ये सब मुझे इस रखने के लिए एक मुझे बनाना है। खाली मैं चैन नहीं मंगा पा रही हूँ, चैन मंगाऊँ तो मैं बनाऊँ, उसमें सेफ पड़ा रहेगा। अरे मम्मी, ओ ये है मेरी अलमारी कबाड़ खाना वाली, मैं कितना भी इसको ठीक करूँ इसी तरह कबाड़ खाना बनी रहती है ये। मैं इसकी पिक दिखला रही हूँ, उसमें भी इसको आफत है, बताइए मेरा बेटा कैसे बाहर जाके पढ़ेगा, उसको इतना वो है। और फ्रेंड्स काम तो मेरे ऑलरेडी सारे हो गए हैं, अब मैं चलती हूँ फटाफट खाना बनाने, क्योंकि 11:30 बज रहा है, खाना बनाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ बनानी है, आज मैंने कुछ नहीं बनाई है, इसको रख देते हैं।
अलमारी में। देखिए अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है देख देख के, ना अंधेरा पड़ जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं।